हाँ जी, पहले को क्या हाल चाल है, फिर से मिलने आज एक न्यू ब्लॉग के साथ। जैसे कि आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा था, मैं आया था अपना तलवाड़ा, थोड़ा सा अपना काम था वो करवा के बाकी हम जा रहे हैं अब घर को वापस। तो पहले मैं जाऊंगा दौलतपुर, अपनी बाइक का काम करवाना है, लेदर वेदर चेंज करवाना है, बाकी को चेक कर ही नहीं भाई लगाओ। बाकी चलते हैं, इसी साउथ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, चलते हैं, लेट्स गो। चक्कर वक्कर ही नहीं भाई लगाओ, बाकी बाइक रेडी है भाई लोगों। इस टाइम तो सीन कुछ ऐसे हो रखे हैं भाई लोगों की क्या ही बताएं, क्योंकि बाइक की तो ऐसी तैसी फिर गई है। ये देखते हो, टायर तो मैंने न्यू डलवाया था, पर यार इसके जो लेदर वेदर है ना वो ख़त्म हो रहे हैं, मतलब ना बारिश के कारण लेदर वेदर काफ़ी ख़राब हो रखे हैं। तो अब थोड़ा सा इसका काम भी करवाना है। चेन बहुत ही आवाज़ कर रही है, चेन सेट पता नहीं कहीं ख़राब ना हो गया। और फिलहाल तो देखते हैं पहुँचेंगे, खुद ही तो इंजीनियर नहीं बन सकते, तो निकलते हैं भैया जाके काम वगैरह करवाते हैं। बाकी चल मारे हो साउथ ब्लॉक्स के पास हो आप, चल मारो मजे लो, बाकी चलते हैं। अपना गोप्रो फेट्टा बिल्कुल, या जिससे इससे करता हूँ शूट भाई लोगों, गोप्रो से करते हैं शूट। अब निकलते हैं, हमारी आएगी है और देखते बाइक कितनी गंदी हो रखी है, निकलते हैं भाई लोगों। तो पहुँच के मिलते हैं आपसे और बाइक का जो भी काम वगैरह है वो करवाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई लोगों, पहनने की वीडियो कर रहा हूँ, चलो लो जी भैया यहाँ से निकलते हैं। आपको एक चीज़ बताते हैं, मोटरसाइकिल कैसे वॉच कर रहा है, ये देख लो, ये देखो चिक्के मार रहा है ना, ड्रम से बड़ी बुरी गंदी आवाज़ आ रही है भाई लोगों। इसके लेदर वेदर ही चेंज करवा देंगे, बाकी आपको दौलतपुर जाकर मिलते हैं, दौलतपुर जाकर आपको पूरा व्यू वगैरह बताएंगे भैया। दौलतपुर तक का जो भी सफ़र होगा हमारा हम बताते हैं दौलतपुर जाकर, और देखना अब धीरे चलते ओ, ओ अब देखना धीरे चलता हूँ ना, बंद हो गया, अब मैं बताता हूँ। अब जैसे मैं खड़ा करके इसको चला रहा हूँ ना, ये कर रहा है आवाज। आज का मौसम काफी हो रखा है भाई लोगों, इस टाइम तो ना बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, बहुत ही बारिश होने पर है। तो अभी वापस जा रहे हैं तलवाड़ा से, दोस्त पर जाकर काम भी करवाना है, इसका लेदर वेदर चेंज करवा देने हैं, और अगर इसकी कोई चेन सेट की भी दिक्कत होगी चेन का, वो भी चक्कर वक्कर देख लेंगे अच्छे से। आज काम करवाना है बाइक का भाई लोगों, और देखते हैं क्या बनता है बाइक का। जो भी काम होगा अच्छे से करवाने हैं मैंने, क्योंकि बाइक फिट है तो सब कुछ फिट है, क्योंकि मैं अपनी बाइक को कुछ नहीं होने दे सकता, बाइक मेरे को बिल्कुल फंटास्टिक चाहिए है। तो आगे देखते हैं कहीं, भाई लोगों हम पहुंच चुके हैं टोल टैक्स मरवाड़ी में। तो जाना बाइक का काम भी करवाना है साइड से जाने, तो भैया देख रहे हैं कहां से निकाल रहा है, हम साइड से निकाल लेते हैं। तो भैया आप सीधा अपना काम करवाना है बाइक का, ओ शीशा लेकर चले हुए भैया, तो लो जी यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पुलिस स्टेशन जो भी है वो लेते हैं, पास ही ट्रैक्टर लेकर चला हुआ है भाई लोगों। अभी तो मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, फिर से जियो के पेट्रोल पंप में भाई लोगों। वो चचा कैसे बैठे हुए हैं, चचा को डर लग रहा है क्या? तो भैया के बाइक की बहुत बुरी हालत हो रखी है ना भैया, बाइक की इतनी बुरी हालत हो रखी है, मैं क्या ही बोलूँ कि उसका यार लेदर वेदर दोनों चेंज करवाने, अगले भी पिछले भी तो आज काम करवाते हैं मेरे बाइक का, तो देखते हैं। लेदर तो पिछले भी वैसे ठीक ठाक ही है, पर हम चेंज करवा देंगे क्योंकि बाइक का रिस्क नहीं लेने का, बाइक मेरी को कुछ नहीं होने जा रही है। ट्रक का टायर हवा में, पीले टायर देखो हवा में भाई साहब, ये वाले नीचे देखो भाई साहब, देखो गाड़ी के टायर हवा में, पिछले स्टपनी टाइप होते हैं पर हवा में, अगले टायर चलाए हुए हैं इन्होंने भाई साहब,
वेल डन, टायर हवा में थे भाई लोगों। भैंस भैंस में बज रहा था अभी। ओह या ये डांस कर रही है। भैया हो गया हमारा, करवा लिए चेंज लेदर वेदर, तो अब निकलते हैं यहाँ से। तो भैया अब तो बाइक बिल्कुल ठीक चली हुई है, लेदर वेदर बिल्कुल चेंज हो गया अच्छे से, तो अब घर की ओर ही निकलना है हमने। तो अच्छे से लेदर वेदर चेंज हो गए, हमारा यही था कि लेदर अच्छे से चेंज हो जाए, कोई इशू ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो अब लेदर बिल्कुल ठीक है, वाह ब्रेक भी ठीक है, अगली ब्रेक आवाज नहीं कर रही है पर ढीली लग रही है थोड़ी सी ना, तो फिलहाल तो ठीक है। न्यू लेदर है तो पिछले भी टाइम लगेगा सेटअप होने में, तो फिलहाल तो बिल्कुल सेट कर दिया भैया ने, अच्छा करा काम, तो अच्छा रहा ये। अच्छा यही था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। धौलपुर पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूरी रहा धौलपुर, हमारी मंजिल सामने है, बस पहुंच के धौलपुर में, तो यहाँ से अपने घर वाली साइड जाएंगे। आज बाजार की ओर नहीं जाना, आज बस बारिश लग रही है तो टाइम से घर पहुंचना है। तो आपको लेंस के सामने भी आ रहा होगा इस टाइम तो ब्लर वगैरह, तो कुछ चक्कर ही नहीं भाई लोगों। अब जाएंगे घर वाली साइड, वो लगी हुई है बस हमारे उधर के लिए, पुराना बस लगी हुई है और ऑटो वाले दोनों भिड़ रहे हैं एक दूसरे में। थार आई थार भैया, ये चच्चा कहाँ चले हुए हैं। तो लो जी भैया यही था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग, जल्दी मिलते हैं ब्लॉग के साथ। मेरा काम चला हुआ है, रुक गया फिलहाल तो।